बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हत्के इज्जत का मुकदमा। कांग्रेस पार्टी के सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के इंतखाबी मुहिम के दौरान बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। इनके बयान और कांग्रेस पार्टी के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के वादे पर खड़गे के खिलाफ पंजाब की एक अदालत में हत्के इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल के बानी हितेश भरद्वाज ने कांग्रेस सरबराह खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हत्के इज्जत का मुकदमा दायर किया है। इस तनाजुर में सिंगूर की एक अदालत ने कांग्रेस लीडर को समन जारी किया। सिविल जज रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। अपने हत्के इज्जत के मुकदमे में हितेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर एक मुल्क मुखालिफ तंजीम के तौर पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा गया कि कर्नाटक में इख्तदार में आने के बाद वो बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे। इन्होंने बताया कि इन्होंने जुमेरात को कांग्रेस के मंशूर के सफ़ा नंबर 10 में मौजूद नुक्कात की बुनियाद पर अदालत से रुजू हुए हैं। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।